प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं समस्त अभिभावक बंधुओं, मैं आज आप सबको धन्वंतरी दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से ये आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वे सभी आज धन्वंतरी देव की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। उनके घरों में सुख एवं समृद्धि बनी रहे। मैं भी यही कामना करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तो कितने दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उधर नवरात्रि चल रहा था, उसके बाद जो है इस माह में अनेक प्रकार के त्योहार थे और आप सभी उसमें व्यस्त भी थे और मुझे समय भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं ये प्रयास करूंगा कि दिवाली के बाद मैंने अपना क्लास जरूर लूंगा और विशेषतः मैं कक्षा दसवीं एवं कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों से ये संदेश के रूप में या मैंने पिछले भी वीडियो में जब वार्तालाप किया था तो मैंने आप लोगों को कुछ संदेश दिया हुआ था और मैं आज भी मैं उस पिछले संदेश को बता रहा हूं। ऑफलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। यदि जो भी छात्र या छात्राएं अभी तक किसी ऑफलाइन कक्षा में प्रवेश नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र प्रवेश ले लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं परीक्षा समय से कराई जाएगी। समय बहुत कम है, कम समय में आप लोगों को तैयारी बहुत ज्यादा करनी है, तो आप जो है समय सारणी के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि जब आप समय सारणी के अनुसार अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे तो एक अच्छा जो है रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे, सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ते वक्त जिस प्रकार से
विशेषतः विद्यार्थियों का त्योहारों पर कुछ समय अपना नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज धन्वंतरी दिवस है, इसके 2 दिन बाद 14 तारीख को दिवाली है। उसके बाद अगले दिन गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, अनेक जो है त्योहारों का लाइन लगा हुआ है। यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने दिवाली के बाद दिवाली की तैयारी करें या छठ की तैयारी करें, तो तमाम इसमें जो है आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अपने समय के अनुसार अपनी पढ़ाई बिल्कुल करें, समय पर विशेष ध्यान दें। और मैं उन छात्र एवं छात्राओं के लिए संदेश दे रहा हूँ जो कि वो छोटे नन्हे मुन्हे छात्र एवं छात्राएं अपने घरों पर हैं, वे भी छात्र एवं छात्राएं अपनी पढ़ाई, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अभिभावक बंधु सभी छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए समय के अनुसार घर पे बैठा रहे होंगे। यदि उन लोगों को नहीं बैठा पा रहे हैं तो उनकी शिक्षा का ग्राफ नीचे ही गिरता चला जाएगा। तो मैं अभिभावक बंधुओं से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि बच्चों का ग्राफ, शिक्षा का ग्राफ बरकरार रहे, न गिर पाए। इसी के साथ मैं पुनः समस्त छात्र एवं छात्राओं एवं अभिभावक बंधुओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।